आजकल क्रिस्टियानो रोनाल्डो की खूब चर्चा हो रही है। पता चला है कि उसने कोको कोला की इज्जत उतार दी। भारत में चर्चा चली कि देखो कितना हेल्थ कॉन्शियस है, लोगों को कोको कोला छोड़कर पानी पीने की सलाह दे रहा है। पर दोस्तों, ये कोको कोला के साथ बीते समय में लाखों का कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। रोनाल्डो आज जो बड़ा सयाना बन के सीख दे रहा है कि कोको कोला नुकसानदायक है, तो फिर पहले कोको कोला की ऐड क्यों किया भाई? असल में उसका एंडोर्समेंट नहीं करने के लिए उसने अपने टेबल से कोको कोला की बोतलें साइड कर दी थी। पैसे नहीं मिले थे ना, इसीलिए। भला क्यों मैं फोकट में किसी की ऐड करूं? वहीं दूसरी तरफ हम भारत के लोग हैं जो आज वेस्ट से आने वाले हर विचार को सिर झुकाकर मान लेते हैं, फिर चाहे वह व्यापारी बुद्धि वाले व्यावसायिक खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ही क्यों ना कही हो। रोनाल्डो फुटबॉल के बेताज बादशाह होंगे तो होंगे, पर मैं आज अपने भारत के लोगों को भारत के महान बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद की याद दिलाना चाहता हूँ, जिन्होंने 2001 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में कोको कोला का ऑफर यह कहकर ठुकरा दिया था कि यह हमारे देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक है। तब चंद लोगों ने ही इनकी इस कदम को सराहा था। इतना ही नहीं, आज पुलेला गोपीचंद से प्रशिक्षण लेकर साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और श्रीकांत कितांबी जैसे शानदार खिलाड़ी बैडमिंटन की दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। पुलेला गोपीचंद जैसा साधारण परिवार से आने वाला, साधारण सी आर्थिक हैसियत रखने वाला खिलाड़ी जब करोड़ रुपए का ऑफर ठुकराता है, तब उसकी सराहना की जानी चाहिए, न कि अरबों और खरबों में खेलने वाले आर्थिक टशन को सिर माथे पर चढ़ाना चाहिए। लाल ब्यूरेज की टेबल से सरकाई गई ये बोतलें सिर्फ इतना ही संकेत दे रही थी कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट रोनाल्डो के साथ नहीं हुआ है, इसलिए हमें टीवी स्क्रीन से धक्के मारकर बाहर कर दिया गया है। जब चर्चा पैसों और नैतिकता की होगी, तो निश्चित ही पुलेला गोपीचंद का नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे फुटबॉल का दिक्कत से कहीं ऊपर होगा। इतना तो तय है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।